हम सभी को पता है कि गूगल जो है सर्च इंजन के मार्केट में जो है डोमिनेट करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 94% सर्च इंजन जो है, मतलब सर्च इंजन लोग यानी कि जो सर्च करते हैं इंटरनेट पे आके, उसका जो है गूगल पर ही कब्जा है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो गूगल ही जो है पूरे सर्च इंजन के मार्केट पे कब्जा कर चुका है। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे सर्च इंजन और भी है जिनको हम आज आपको दिखाएंगे। तो पहला जो है यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटिव कॉमन सर्च। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे ये एक सर्च इंजन, यहाँ पे आप जो है 50 करोड़ जो है अलग अलग फोटोज़ को क्रिएटिव कमेंट्स मतलब ऐसे फोटोज़ को सर्च कर सकते हो जो आपको कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट में आके आप फोटोज़ वगैरह सर्च कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कॉपीराइट फ्री फोटोज़ आप सर्च कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कुछ है, यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हो आप इस सर्च इंजन में। यहाँ पे आई एम डोनेट नाउ करके ये लोग जो है डोनेशन के ऊपर भी जो है अपने सर्च इंजन को चलाते हैं और पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, आपका डाटा कहीं पर भी जो है लीक नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, 500 मिलियन इमेजेस को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो मतलब अवेलेबल है, मतलब 50 करोड़ से भी ज़्यादा इमेज यहाँ पे जो है अवेलेबल। आप देख सकते हो कितना सारा इमेज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों अगला जो है याहू, आप देख सकते हो गूगल के आने से पहले जो है याहू का ही कब्जा था पूरे सर्च इंजन के मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो अभी याहू जो है थर्ड लार्जेस्ट सर्च इंजन है और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है उससे जो है ये पावर्ड है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है वो यहाँ पे जो है इसको चलाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो और पूरे इंडिया में जितने भी अभी जो है करंट न्यूज़ वगैरह है आप सब यहाँ पे याहू पे आपको मिल जाएगा। तो गूगल के अलावा आप याहू पे भी आके जो है सर्च कर सकते हो और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन था दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, ये जो है गूगल का दूसरा सबसे बड़ा कंपटीटर आप बोल सकते हो इसको, मतलब लगभग 10% के आसपास मार्केट शेयर माइक्रोसॉफ्ट के बिंग का है। तो ये आप देख सकते हो हिंदी है, उसके बाद जो है इंडियन लैंग्वेज, तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, सब कुछ लैंग्वेज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और ये जो है काफ़ी मतलब एडवांस भी है और इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे इंडियन स्टाइल में इसको ढाला गया है। दोस्तों ये जो है किडली, जी हाँ दोस्तों, ये भी गूगल का ही एक सर्च इंजन है, ये स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सर्च फॉर किड्स, तो मतलब बच्चों को जो है काफ़ी सारे एडल्ट और 18 प्लस कंटेंट से और जो है सर्च इंजन में जो दूसरे तरीके के जो हार्मफुल कंटेंट होते हैं, मतलब जो माइंड को डाइवर्ट करते हैं या फिर जो माइंड वॉश ब्रेन वॉश करते हैं उस तरीके के कंटेंट को दूर रखने के लिए गूगल ने ये किडली को बनाया है। तो अगर इस पर आप कुछ भी सर्च करते हो, सपोज स्टोरी अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो तो किस तरीके से आएगा, आप देख सकते हो इंटरफेस देख सकते हो ऊपर क्या कुछ है, फैक्ट है, इमेज है, उसके बाद आप देख सकते हो क्या कुछ है, न्यूज़ वीडियोज़ वगैरह सब कुछ आ जाता है आपको यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे देखो तो जैसे ही आप कुछ सर्च करते हो तो यहाँ पे जो है फोटो करके कुछ इस तरीके से जो है आता है, बहुत ही एडवांस लेवल का है ये, तो इस कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। आप देख सकते हो साइड में जो है बड़ा करके पिक्चर आ जाता है और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो साइड में डिटेल्स वगैरह आता है। तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये किडली, तो अगर आप के घर में बच्चे हैं तो आप किडली उनको ज़रूर दीजिए सर्च करने के लिए, क्योंकि गूगल से फार बेटर और गूगल का ही प्रोडक्ट है। देख सकते हो 0.31 सेकंड में कितना ज़्यादा जो है सर्च होता है, मतलब बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप अपने बच्चों को ज़रूर ये किडली से ही सर्च कराइए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के नीचे। दोस्तों अगला जो है justwatch.com, ये एक ऐसा सर्च वेबसाइट है या फिर सर्च इंजन है जहाँ पे आप कोई भी आपका जो है वेब सीरीज़ वगैरह जो है और ऑनलाइन कंटेंट सर्च कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो स्कैम 1992, उसके बाद मिर्ज़ापुर और हॉलीवुड नेटफ्लिक्स के जितने भी जो है ऑनलाइन शो है वो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ है, कितना कुछ है। तो डिस्कवर मूवीज़ एंड टीवी शोज, तो नीचे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे उल्लू है, जियो है, जी फाइव है, तो जितने भी मतलब OTT प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में मौजूद है उन सबका जो है आप कंटेंट मतलब ऑनलाइन कंटेंट जो है वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, justwatch.com पे आके आप यहाँ पे देख सकते हो योर स्ट्रीमिंग गाइड, मतलब आप कौन सा चीज़ स्ट्रीमिंग करोगे यहाँ पे आके उसका रिव्यू वगैरह देख के जो है आप फिर उसको जो है वेब सीरीज को देख सकते हो, मतलब आपका टाइम भी बच जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे मिर्ज़ापुर लिखता हूँ जो इंडिया का सबसे हिट वेब सीरीज़ है, मतलब जो है सबसे पॉपुलर वेब सीरीज़ में से एक है मिर्ज़ापुर, तो आप देख सकते हो ये मिर्ज़ापुर भी यहाँ पे जो है मौजूद है, यानी कि आपको जो है मिर्ज़ापुर यहाँ पे यह मिल जाएगा। और क्या कुछ इसके बारे में ओपिनियन दिया है काफ़ी सारे लोगों ने, तो वो आप देख के जो है मिर्ज़ापुर को देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मतलब वेब सीरीज़ है इंडिया में, जितने भी वेब कंटेंट है वो आप justwatch.com पे आके जो है सर्च कर सकते हो। दोस्तों ये जो है गिफी, ये एक ऐसा सर्च वेबसाइट है, यहाँ पे आप कोई भी जो है अपना गिफ्ट जो है बना सकते हो, जब आप दोस्तों को व्हाट्सएप पे गिफ्ट भेजते हो ना वही, साथ ही साथ आप यहाँ पे गिफ्ट अपलोड भी कर सकते हो और आपका वीडियो से गिफ्ट जो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही हेल्पफुल जो है सर्च साइट है फॉर तुम्हारा आपका गिफ्ट वगैरह बनाने के लिए, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है।
देख सकते हो कुछ अलग अलग क्रिएटिव गिफ आप यहाँ पे खुद आके बना सकते हो, मतलब कोई सा भी गिफ आप सर्च कर सकते हो बना सकते हो। दोस्तों डक डक गो ये एक ऐसा बेस्ट सर्च इंजन है, आप देख सकते हो यहाँ के प्राइवेट सर्च है, ट्रैकर ब्लॉकिंग है, उसके बाद साइट एनक्रिप्टेड है, मतलब आप कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल पे वो जो है गूगल अपना डाटा जो है बेच देता है, बट डक डक गो में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो लोग पूरे अपने डाटा को सेव रखते हैं आपके जो भी आप सर्च करते हो उसको। तो दोस्तों ये जो है एक्को साइट, तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो नंबर काउंट हो रहा था वो जो है कितना ट्री यहाँ पे प्लांट हुआ है उसके बारे में मैं तो बता रहा हूँ क्या कुछ है ये सर्च इंजन। तो इसमें जो बेसिकली क्या होता है कि आप जितना सर्च करते हो उसके बाद ये लोग जो है आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं कि आप कितने पेड़, मतलब इन लोगों का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ जो है ट्रीज मतलब पेड़ पौधे लगाना है पूरे दुनिया में, दुनिया को इको फ्रेंडली बनाना है, इसलिए इस वेबसाइट मतलब सर्च का नाम ही है इकोसाई। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर वगैरह पे काउंट हो रहा था। दोस्तों ये जो है archive.org इस सर्च इंजन में क्या होता है, अगर आप कुछ भी PDF हो कोई भी जो है एडुकेशन रिलेटेड फाइल वगैरह जो है आप सर्च करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आ जाओ, इस पर आपको हर वो एडुकेशन से रिलेटेड चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एडुकेशन ही नहीं दोस्तों, म्यूज़िक वगैरह उसके बाद जो है बाकी कितने भी जो क्रिएटिव चीज़ होता है या फिर सर्च इंजन में जो भी आप सर्च करते हो APK वगैरह हो TV शो वगैरह हर वो चीज़ आपको इस archive.org पे मिल जाएगा, यहाँ पे हर वो चीज़ जो है अवेलेबल है। आप गूगल का छोटा भाई भी इसको मान सकते हो archive.org को, ये वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन में आता है और एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है। तो दोस्तों अगला जो है स्टार्ट पेज, जी हाँ दोस्तों ये भी वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन है, मतलब प्राइवेसी के मामले में तो मतलब कोई भी डेटा ब्रिच नहीं होगा, जीरो सेविंग है, उसके बाद शेयरिंग सेलिंग और सर्च डाटा, इसके बाद आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, ट्रैक नहीं करेंगे आपने जो भी सर्च किया है, उसके बाद देख सकते हो प्रॉफिट सर्च रिजल्ट है, ब्राउज मतलब जो भी आप सर्च करोगे वो सब आपका प्राइवेट रहेगा, मतलब पूरा पूरी प्राइवेट रहेगा, ये आपको डेटा कहीं पे भी सेल नहीं करेंगे, कहीं पे भी किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है ये आपका डाटा शेयर नहीं करेंगे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। और ये भी जो है डोनेशन के ऊपर भी चलता है दोस्तों, इनका भी कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है ट्रीज को जो है प्लांट करने का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन है स्टार्ट पेज, आप इसको भी जाकर है जो है सर्च कर सकते हो अगर आप गूगल का अवॉइड करना चाहते हो। तो ये कुछ बेस्ट वेबसाइट थे सर्च के मामले में। तो दोस्तों इन सारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जो है इन वेबसाइट को जो है यूज़ कर सकते हो, यानी कि सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हो।